Good morning students, we'll continue with chapter number 7, Environmental Changes. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to recent 319 ppm. ppm हमने last lecture में देखा था कि part per million होता है. See the changes, it has increased from 270 to 319, so it is having effect on the earth. Chlorofluorocarbon. Due to the use of foam, plastic refrigerators, AC, circuit aerosol spray, etc., there has been increase in the CFC. So, ये जो चीज़ें हैं हम जो यूज़ करते हैं foam, plastic, refrigerators, AC and aerosol spray, इसका जो असर है ये जो है there has been increase in the chlorofluorocarbon gas. So, उसका सीधा सीधा असर हमारे अर्थ पे पड़ता है. Now, the यहाँ पे जो aerosol है उसके लिए दिया गया है, the minute particle having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol. आप देखोगे यहाँ पे प्लास्टिक का मेंशन किया है ना, जो भी प्लास्टिक होती है ना उस पर लिखा रहता है 10 माइक्रोन, कुछ कुछ प्लास्टिक पे मेंशन रहता है. सो जो पार्टिकल है होते हैं जिनकी साइज़ जो है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है, दे आर नोन एज एरोसोल. नाउ हेयर इज कॉलम थिंग्स टू नो. एज़ पर द रिजोल्यूशन passed by the UN on 23rd January 1995, 16 September is observed as the ozone day. जो resolution दिया है UN ने 23rd January 1995 में कि जो 16 September है उसे हम ozone day मानेंगे. And after 1980 year 2007 was observed as the hottest year. Now we'll see effects of the global warming. जो global warming के effects क्या हुए, हमने global warming के बारे में last lectures में सीखा था. Changes are observed in the growth and development of the vegetation. Changes हमने देखे हैं जो आए हैं growth and development में हमारे vegetation में. And जो कुछ spices हैं, कुछ birds जो है वो तो अब बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं, जैसे sparrow, vultures, etc. 2000 में जो glacier है हिमालय का वो भी melted, 2000 से melted होने लगा है. आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर दिया है 7.9 ग्रेजुअली चेंजेस ऑब्जर्व इन दी ग्लेशियर्स. यहाँ पे ईयर्स मेंशन किए गए हैं पिक्चर के साथ. मई 12 2001 में वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है. जुलाई 1 2003 में मेल्टिंग स्टार्टेड है. स्टिल जून 19 2006 में उसका जो मेल्टिंग का आप देखोगे इफ़ेक्ट इसमें ज़्यादा बता रहा है. सो इट इज़ मेल्टिंग. स्टिल वी आर लिसनिंग द न्यूज़ दैट जो हिमालय का ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रहा है ड्यू टू दी इफ़ेक्ट्स ऑफ दी ग्लोबल वार्मिंग. नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर दिया है, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो सूर्य की किरणों से हमें एनर्जी हमें मिलती है. बायोमास, टाइडल एनर्जी, 7.11 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड टाइडल एनर्जी.